अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मुकदस भट्ट इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा ये स्क्रीन पे बैकग्राउंड पे अगर आप नज़र डालें तो क्रिप्टो मार्केट जो कल क्रैश की थी वो मार्केट दोबारा रिकवरी कर रही है गो के पी की प्राइस अभी भी 43,000 समथिंग के ऊपर ट्रेड हो रही है लेकिन आर्ट कोइन मार्केट ने दोबारा रिकवरी करना शुरू कर दिया जिनमें से कुछ कोइंस ऐसे हैं जितना उन्होंने डंप किया था उतना ही उन्होंने रिकवरी किया और उसके पीछे लॉजिक भी है स्लेशिया की अभी तक मॉडुलर ब्लॉकचेन की जो कैंपेन है उसकी वजह से स्लेशिया की प्राइस भी 22 परसेंट आपको पिछले 24 घंटे में पंप नज़र आ रही है स्टैक्स का जो टोकन था वो भी लीडो लीडो की क्यों कर रही है मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ ऑलमोस्ट सारी आल कोइन मार्केट जो है अब दोबारा रिकवरी कर रही है मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रिकवरी मजीद बढ़ती जाएगी रही बात बी की तो कल भी मैंने आपको अपना तजिया दे दिया था मैंने मुझे ऐसे लगता है कि 10 जनवरी तक बी की प्राइस जो है वो शायद इसी तरह ट्रेड होती रहे आंटी लनलैस स्पॉट ई की जो कन्फर्मेशन आ जाए या रिजेक्शन की देखें कल जो मेरा अनैलिसिस था वो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक के यार 95 परसेंट के चांसेस हैं कि अप्रूवल हो जाएगी 10 जनवरी तक फाइव परसेंट या टेन परसेंट की विंडो है कि शायद ना हो तो हम टेन परसेंट और फाइव परसेंट को लेकर के ट्रेड करें प्रोबेबिलिटीज़ को या के नाइनटीन नाइन्टी फाइव परसेंट को लेकर तो अक्लमंदाना फैसला तो यही है कि नाइन्टी फाइव परसेंट पे फोकस करना चाहिए लेकिन बहरहाल कल जैसे मैंने आपको कहा मार्केट ने फ्लैश क्रैश किया फिर जिन लोगों ने फड क्रिएट किया था वो तमाम लोग अब मीडिया पर आके अपनी क्लैरिफिकेशन देना शुरू हो गए तो सिचुएशन ऐसे ही है अगेन मेरा अभी भी यही मानना है कि बिटकॉइन का स्पॉट ई 10 जनवरी तक अप्रूव होना चाहिए कल मैंने आपको बताया था वकार भाई की इससे हट के अप्रोच है और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इस तरह हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो ज़्यादातर होता वही है जो वकार भाई की सोच होती है ज़्यादा नॉलेज है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है पुराने हैं हैंजड है यू कैन से एनी थिंग खसूस मुझे याद है वो काडेनो के हवाले से शायद मैंने कल आपके साथ शेयर किया था काडेनो का जब उन्होंने उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनका लॉन्च होने वाला था इन्होंने कहा जी इसके बाद डंप होगा मैंने उस वक्त चाहता तो मैं तीन डॉलर की प्राइस के ऊपर था मैं चाहता तो प्रॉफिट बुक कर लेता वो भी मेरा प्रॉफिट जो है तकरीबन कोई पंद्रह अठारह हज़ार डॉलर का मेरा वो वाला जो प्रॉफिट था वो मैंने लूज़ किया सिर्फ उस एक एडवाइस को ना मान के बरह लेट्स अभी मैं दोबारा अगेन अगेंस्ट जो है अगेंस्ट हूँ वकार भाई की अप्रोच के लेकिन लेट्स द मोमेंट खसूस आई हैव बिन वेटिंग फॉर और मेरे साथ जिन दोस्तों ने साइ नेटवर्क के ऊपर सरमायाकारी की थी अब वो सरमायाकारी के हवाले से फ्रूटफुल उसके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। ये साय नेटवर्क ने ट्वीट की है मैं आपके साथ मालूम शेयर करता करना चाहता हूँ ऐसे वो तमाम साय के इन्वेस्टर जिन्होंने कीज़ रन की हैं हर की के बदले उनको सोलह साइ साय टोकन मिलेंगे इसके अलावा ये ऊपर वैन गार्ड होल्डर्स हैं पता नहीं ये वाली वैन जो एन हैं शायद ये वाली हैं क्योंकि अगर ये वाली हैं तो ये वाली एन तो मैंने मिंट की हैं अगर आप यहाँ पे मैं फ्यू मिनट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो स्नैपशॉट पे ये देखें मैंने तीन ऑन की है ये टू ऑन की है ये मैंने सारी एन एफ ऑन की हैं पता नहीं ये वो वाली एन होल्डर्स की बात हो रही है यहाँ के डिस्कोर्ड चैनल पर या इनके जो डिफरेंट टास्क थे वो इन्होंने टास्क कंप्लीट किए हैं उनके बाद जिनको एन मिली हैं ये उनकी बात हो रही है बहरहाल वैन गार्ड एन होल्डर पर एन के बदले तेरह सौ सात सारे टोकन मिलेंगे और लेजेंडरी एन होल्डर को टू नाइन्टी अच्छा मैंने सेंट्री नोट की जो कीज़ चार कीज मैंने बाई की थी स्नैपचाट से पहले आप में से बहुत से लोग अब मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या हमें शायक के कीज को बाई करना चाहिए या नहीं ये आपकी अपनी ओपिनियन है सीजन वन ये इनका हुआ है सीजन टू ए ड्राफ के हवाले जब इन्होंने कहा कि सीजन वन का एयड्राफ इसका मतलब है कि सीजन टू भी होगा तो अभी अगर आप बाय करेंगे तो इस ए ड्राफ में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन एन मुमकिन है अगर ये सीजन टू का ए ड्राफ करते हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बहरहाल साय की कीज़ की प्राइस आप पॉइंट नाइन तकरीबन एक इथेरियम के पास चलेगी है उसमें फाइव परसेंट डिस्काउंट आप लगा भी लें तो फिर मेरा फिर भी मेरा ख्याल है पॉइंट एट तक आपको इथेरियम तक आपको की पड़ेगी और ये अभी भी टू तो बी फ्रैंकली स्पीकिंग अगर ये प्रोजेक्ट ग्रो करता है तो अभी भी कीज महंगी नहीं है लेकिन चार महीने मेरे दोस्तों भाइयों कीज़ बाय की थी एक कीज के बदले मुझे मिलना है सोलह सौ अब सोलह सौ अठावन को अगर आप मुझे थोड़ा टाइम दें मैं कैलकुलेटर पे सारी कैलकुलेशन करके आपको बताता हूं आप में से जिस जिस ने मेरे साथ कीज बाय की है ताकि वो भी अपना प्रॉफिट इसी तरह कैलकुलेट कर लें सोलह सो अठावन मल्टीप्लाई बाई चार चार मैंने कीज बाय की अब मुझे टोटल कीज मिलेंगी छह अच्छा प्री मार्किट जो कुकोइन की है वहां से हम अंदाजा लगाते हैं एक तो आज से बाकायदा बैनानस के ऊपर नहीं खल, कल से पांच तारीख से नौ तारीख तक Binance आपने पूल में माफ़ कीजिएगा साई टोकन की वो फार्मिंग ओपन करेगा पूल में लोग वहां पे स्टेकिंग करेंगे मैंने भी जितना मेरे पास बी एन टोकन था वो मैंने स्टेक किया और उसके बदले मुझे वहां पर भी ए ड्रॉप मिलेगा अच्छा उसके बाद 9 तारीख को बकायदा लिस्टिंग है एन मुमकिन है साई टोकन की कू कॉइन पे भी और सारे प्लेटफॉर्म पे नौ तारीख को बाकायदा ट्रेडिंग के लिए ओपन हो जाए लेकिन अभी प्री मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो नीचे डंप कर रही है अब इस वक्त करंट प्राइस देखें मैं चाहता था कि यहाँ पे मैं सेल के आर्डर लगाऊं क्योंकि प्राइस अगर डेढ़ सौ डॉलर के ऊपर होगी तो बेनिफिट होगा लेकिन थोड़ी देर के लिए अंदाज़ा लगाएं थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं इस वक्त करंट प्राइस है वन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ करंट प्राइस के ऊपर यानी प्राइस वैसे तो उम्मीद कर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दो डॉलर से अबव ही इसकी प्राइस होनी चाहिए लेकिन अगर नीचे भी आ जाती है तो लेट्स से के वन डॉलर पैंतीस सेंट लगा लेते हैं तो ये मेरे जो कीज़ मुझे मिलेंगी चार कीज ये आठ हज़ार नौ सौ तिरपन डॉलर की तो ये करीब करीब जितनी मैंने चार कीज़ बाय करने में इन्वेस्टमेंट की है ये मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ए ड्रॉप से ही पूरी होती हुई आपको नज़र आ रही है और आप में से जिस जिसने किया होगा आप लोगों की गुड लक होगी कि अगर इसका इसकी प्राइस जितने डॉलर ऊपर जाती जाएगी उतना ही आपको प्रॉफिट होगा और बाकी कीज़ रन करने से जो आपका प्रॉफिट है वो सेपरेट है मैं आपको अपना प्रॉफिट जो नोट रन करके पिछले तकरीबन 10-12 दिन से जो मैंने नोट रन किए चार कीज़ के ऊपर मैंने दो जो शायद टोकन है वो अलग मैंने अर्न किया है अब जाहिर बात है ये फ़ौरन हम विड्रा नहीं करवा सकते इसके लिए टाइम की बंदिश है मैं इसको छः माह के लिए वेट कर लूँगा मुझे कोई मसला नहीं है क्योंकि मेरी सरमायाकारी मुझे

आप लोगों को कहा था कि आपके पास इथेरियम अगर पड़े हैं तो इसको स्टेक कर लें आपका जाना कुछ नहीं ये आपको इथेरियम दोबारा मिल जाएंगे लेकिन इस तरह उनके नेटवर्क को सपोर्ट करने में आपको एयर ड्रॉप मिलेंगे आपको चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था मैंने मैंटा पे जो स्टेकिंग की थी मैंने पाँच हज़ार तक पाँच हज़ार से ज़्यादा डॉलर मैंने उस वक्त कैश ऑर करवाए थे और आज मैंने एक और नोट बाय करना था जो कि शाए शाए नोट ही की तरह जैसे ये वाला है जिसमें आपने कीज़ बाय की नोट रन किया और इस पर आपको सारे मिले इसी तरह का एक और मायरिया नाम का गेमिंग इकोसिस्टम है इनको मैंने कंपेयर किया है साय के साथ और मुझे ऐसे लगा कि मुझे इनका भी नोडेक एक रन करना चाहिए इनके नोट की जो लाइसेंस की है इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर का रहा हूँ अट्ठावन डॉलर यानी 5800 डॉलर की एक की है पाकिस्तानी रुपए में देखा जाए तो तकरीबन ये 16-17 लाख रुपए की की बनती है अब मैंने उनकी उधर जो मैंने शाए में की है सेम सेम सरमाकारी इधर भी इतनी है लेकिन इसका फ़र्क यह है इसके कुछ अच्छे अच्छे फीचर हैं जो कि शाए में मुझे नज़र नहीं आए इस वजह से मैंने इधर भी एक तो मैं चाहता था कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सीफाई करूँ और ये पैसिव इनकम है याद रखिएगा ये पैसिव इनकम है ये नहीं कि ये नीचे भी जा सकता है ऊपर भी नहीं ये आपने एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दी ये पैसे फिर उसके बाद जनरेट होते रहेंगे तो इसकी इसकी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो साए की नस्बत ज़्यादा बेहतर है लेकिन शाए के पीछे बैकग्राउंड बैकग्राउंड पे आर्बिट्रम चेन के जो डेवलपर्स हैं उनकी बैक है यहाँ पे मारिया में देखा जाए तो इनके जो गेमिंग इकोसिस्टम है ये देखें ऑलरेडी इनके इकोसिस्टम पे आए आएँ तो मेरा ख्याल है कोई बीस पच्चीस गेमिंग ऑलरेडी इनके साथ इकोसिस्टम जो गेमिंग स्टूडियोज़ हैं वो ऑलरेडी इनके साथ कांटेक्ट में है अभी तक इनकी गेम्स में चेक कर रहा था कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं हुई हैं सारी अंडर डिवेल्पमेंट जब ये डेवलप होएंगी उस वक्त मायरिया की टोकन ये जो आप नोट रन करेंगे तो इस वक्त उसकी वैल्यू आपको तकरीबन जीरो ज़ीरो नाइन वन नज़र आ रही है ये इंक्रीज़ मैं उम्मीद करता हूँ इंक्रीज़ होगी क्योंकि चंद दिन पहले पिछले माह इसकी प्राइस जो है टोकन की वो एक डेढ़ सेंट तक इसकी प्राइस की है तो इस तरह अच्छी खासी इधर से भी जैसे मैंने कहा कि मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपना मैं सरमाया कितना किया और मुझे इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है ये क्या प्रोजेक्ट है डिटेल इसके साथ मैं विजिट करूँगा और यहाँ पे मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया अपने मेंटा के एन मार्केट में सेल किए वहाँ से मैंने 6000 डॉलर का प्रॉफिट निकाला टोटल मेरा प्रॉफिट मेंटा की सिर्फ 2.81 पॉइंट मैंने स्टे किया और वहां से अभी तक मैं साढ़े डॉलर अभी तक मैं यहां से कैश आउट करवा चुका हूं ओब्वियसली मेरी कम्युनिटी मेरी टीम बड़ी होने की वजह से मुझे उसका बड़ा एडवांटेज है अगर यही मैंने टू पॉइंट एट वन इथेरियम एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट किए होते तो शायद मुझे इतना एयर ड्राफ इतना बेनिफिट ना मिलता तो मैं चूंकि आप लोग सारे मुझे सपोर्ट करते हैं तो इधर से मुझे जितना पैसा आया वो मैंने सारा दोबारा मार्केट में री इन्वेस्ट कर दिया नई नई जगह पे तो इस तरह मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं मेरे दोस्तों भाइयों वहाँ पे आपको ट्राई करते रहना चाहिए ठीक है अब इसके बाद ये ट्रस्टा मैं आपके साथ एक वेबसाइट शेयर करूंगा क्योंकि इस वेबसाइट पे आप जितने कुछ ये जो प्रोटोकॉल जो अपना एयर ड्रॉप करेंगे इस साल होपफुली उन सब पे अपनी रेटिंग चेक करने के लिए कि आप कि क्या क्वाल वहाँ आप कितने परसेंट टॉप कितने परसेंट पे आप आते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ आपको मेरा एड्रेस नज़र आ रहा है जीरो नॉलेज सिंक एरा पे देखूँ तो मेरी जो रैंकिंग आती है मैं टॉप फिफ्टीन इनके जो सपोर्टर्स हैं उनमें आता हूँ और टोटल मेरी जो वॉल्यूम है वो सात हज़ार तिरपन के करीब है जबकि इंट्रैक्शन मेरी 79 परसेंट है ये सारा कुछ आप यहाँ पे आप डाटा वगैरह देख सकते हैं इसी तरह स्टाक नेट पर अगर मैं चेक करना चाहूँ तो उसका भी कर सकता हूँ लीनिया मैंटा ये सारा यहाँ पर कर करके मैं ऐसे सर्च पर क्लिक करूँगा तो इस तरह मतलब किसी भी ब्लॉक चेन यहाँ पर आप अपना एड्रेस ये देखें यहाँ से कॉपी करें ब्लॉकचेन को ऊपर सेलेक्ट करें यहाँ पे पेस्ट करें और मेंटा के हवाले से जो मालूम है मेरी वो नज़र आ जाएगी और मेंटा पे अगर आप देखें तो मैं टॉप टू इनके स्पोर्टर्स में हूँ मैंने अभी तक ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर की वर्थ के यहां पे इंगेजमेंट कर लिया है इस ये सारी एयर ड्राफ्ट फार्मिंग में ये चीजें काउंट होती हैं यहां पे आके आप अगर बूस्टर में जाएं इनके ई ट्रस्टा पे जाएं एयर ड्राफ्ट चेकर बूस्टर में जाएं तो आप यहां पे अपने वॉलेट को स्कैन कर सकते हैं कि क्या आपका वॉलेट कहीं पे एयर ड्राफ्ट क्लेम क्लेमेबल तो नहीं है एलिजिबल तो नहीं है लेकिन आपको पता नहीं है और आप उनको बाद में यहां से एयर एड, ड्राफ क्लेम कर सकते हैं यहां से स्कैन करके ठीक है उसके बाद जी कल मैंने आप दोस्तों को बताया श्रैपनल की गेम के हवाले से मेरे पास एक्सट्रैक्शन पैक की कुछ कीज़ हैं कुछ और मेरे पास हैं अगर आप लोग चाहें अभी भी कुछ लोग जो रह गए हैं वो मेरे स्टोर पे जाएं मेरी शर्ट्स वगैरह बाय करें और अगर आप बाय करेंगे दो शर्ट्स बाय करेंगे तो आप मेरे पास अभी भी हंड्रेड डालर वाले भी कीज़ पड़ी हुई हैं एक्स्ट्रैक्शन रिडीम कोड पड़े हुए हैं और वो जो ट्वेंटी डॉलर वाली हैं दो तो अभी भी अगर करना चाहें तो आप स्टोर में बाय करके तो मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे स्टोर पर शॉपिंग की हुई है एटलीस्ट दो शर्ट्स की वो मेरे पास फ्री में उन्होंने कुछ नहीं करना सिर्फ आके प्रूफ मुझे दिखा दें कि आप मेरे स्टोर के मेरे सपोर्टर हैं तो मैं आपको वो की करवाऊँगा अच्छा जो लोग जिन्होंने मेरे स्टोर से शर्ट्स वग़ैरह बाय की हैं उनके लिए ये पैकेज है ये एल्ड्रॉन एक गेम चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था इन्होंने एक हज़ार अपने एन की मिंटिंग करनी है और ये फ्री मेंटिंग है मुझे मेरी कम्युनिटी के साथ शेयर करने के लिए सिर्फ पाँच बंदों को मैं कर सकता हूँ पाँच बंदों में से एक मैं रख लेता हूँ बाकी चार मेरे पास हैं वो चार जितने मेरे स्टोर के सपोर्टर्स हैं वो मुझे ईमेल करें जो सबसे पहले मुझे ई करेगा यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर वाला तो चार मेरे पास वाइल्ड लिस्ट वाले पड़े हैं अगर तो आपने मेरे मेरे कम्युनिटी के सपोर्टर हैं आपने शर्ट्स वगैरह बाय किए हैं अपना प्रूफ दें तो मैं आपको आपका आपको आपका वॉलेट जो है वो वाइल्ड लिस्ट करवा दूंगा आपने अपना वॉलेट मेरे साथ शेयर करना है ठीक है अब आते हैं जी मार्केट के एयर ड्रॉप के वाले से मेंटल ने अपना वीक फोर की क्वेस्ट जो है वो लॉन्च कर दी है अभी मेरा ख्याल है वो क्वेस्ट स्टार्ट हो गई है ये वाली सारी आपने जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्वेस्ट सारी कंप्लीट करनी है अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको मिस्टिक बॉक्स मिलेगा जो कि बाद में मेंटल के एयर एड्राफ फार्मिंग के हवाले से आपके काम आ सकता है ठीक है ये सारी वीडियोस के वीडियोस में जो मैं आपके साथ वेबसाइट का जिक्र कर रहा हूँ सब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे स्लीप लेस ए इसकी बायनास पर मैंने भी एड्राफ की ए, फार्मिंग की थी तो मुझे तकरीबन एक डॉलर के ए टोकन जो है वो मिले हैं और साथ मैंने इनकी वेबसाइट पे भी एड्रा फार्मिंग के बारे में आपको गाइड किया था मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि आपके साथ मालूम ज़्यादातर जब मैं शेयर करता हूँ खुद मेरे पास टाइम ही नहीं होता उसको फॉलो करने का तो आप में से जिस बंद जिस जिस बंदे ने इसको फॉलो किया होगा अब वो यहाँ पर जाके अपने फ्री एड्रा टोकन जो है वो क्लेम कर सकता है इसके अलावा सेल डाओ ने प्रपोजल एक पेश है जो कि मेरा ख्याल है आज फाइनलाइज़ हो जाएगी कल तक शायद फाइनलाइज होएगी तो उसके बाद मेरे दोस्तों भाइयों आप में से जिस जिस बंदे ने नेसमोसो के आसमोसिस के ओसमो टोकन स्टेक किए हुए हैं मेरी कॉल पे उनको ये सेल टोकन फ्री में एयर एयड्राफ मिलेंगे उसकी डिटेल जैसी मेरे पास आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा लेकिन ये एक तरह का आपको रिमाइंडर है कि जो मैंने आपको कहा था कि वो आपने टोकन सारे स्टेक करने हैं उसको स्टेकिंग बरकरार रखें अभी भी अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी भी कर सकते हैं ठीक है आप मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं सबसे पहले जी यू जो कल एफ के मिनट्स रिलीज़ हुए हैं उससे कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है एक तो ये चीज़ें हैं कि जो यू एस गवर्नमेंट है अपनी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के हवाले से थोड़ी सी फ्लैक्सीबल हुई है उन्होंने कहा है जी कि अब थोड़ा सा इकनॉमिक जो डाटा है वो बेहतरी हो रही है यानी उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक महंगाई अब कदरे कंट्रोल लग रही है उनकी इस स्टेटमेंट से जो मैं अंडरस्टैंड किया है पढ़ के वो ऐसे लग रहा है कि इस साल के मिड से शायद वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट लगाना शुरू कर दें क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा ख्याल है इस साल वो चार बार कट लगाएंगे वो किस माह लगाएंगे जाके अभी तक मुझे नहीं मालूम है लेकिन जब ये करेंगे ये देखें यहाँ पे ये देखें यहाँ पे रेट नीड टू बी लोवर थ्री क्वार्टर ये ऑलरेडी जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 5.25 से लेके 5.5 परसेंट है और इसको वो कह रहे हैं कि इस साल साल 2024 में वो थ्री क्वार्टर इसको कम करेंगे मुख्तलिफ टाइमिंग में ठीक है तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर है सारी ना सिर्फ बिटकॉइन बल्कि ओवरऑल सारी मार्केट के लिए अच्छा जी उसके बाद स्पॉट ई के हवाले से एक और कंफर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो एक बड़ा बैंक है बैंक जॉइंट गोल्डमैन सेक्स उनके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ के हवाले से वो ब्लैक रॉक और ग्रे स्केल के साथ मिलके काम करना चाहता है उनकी इस ईटीएफ प्रोडक्ट में कोई रोल लेना चाहता है तो इन सारी न्यूज़ के के बावजूद मैं कैसे सम, मैं कैसे फाइव परसेंट पर यह बिलीव कर लूँ कि वो रिजेक्ट हो सकता है मुझे समझ नहीं आती बहरहाल हो कुछ भी सकता है अच्छा जी इसके अलावा एक और ख़बर इसी हवाले से कल की खबरें हैं कल जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की बाद में खबर आना शुरू हुई कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो स्टॉक एक्सचेंज है और दीगर जो वहाँ की एक्सचेंजेस हैं उनके साथ बाकायदा उन्होंने मीटिंग की है और उनके फीडबैक लेने के हवाले से तो ये सारी चीज़ें वही सिग्नल कर रही है कि स्पॉट ई की तैयारी अमेरिका की सिक्योरिटी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कर रहा है अच्छा जी मैं आपको लीडो का बता रहा था स्टार्ट में इस वक्त विटालिक बटन की वजह से तीन प्रोजेक्ट की हाइप है और मैं मजीद समझता हूं वो प्रोजेक्ट आगे ग्रो कर सकते हैं नंबर वन ये मैंने आपको बताया था कि विटालिक बटन ने डीवीटी यानी डी जो एक तरह की जो स्टेकिंग है उसको प्रमोट किया तो उसकी वजह से जो एस एस वी टोकन है मैंने चंद प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर किए थे उनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका अपना टोकन था एस एस वी उसकी प्राइस भी पंप कर रही है और आंदा मजीद पंप होती हुई मुझे नज़र आ रही है दूसरा लीडो फाइनेंस ने भी सेम उसी टेक्नोलॉजी जो विटालिक पटरन ने सपोर्ट किया है उसने भी अनाउंसमेंट किया कि वो भी उस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करेंगे तो इस वजह से लीडो की प्राइस भी आपको अच्छा खासा पिछले चंद दिनों में पंप होती हुई नजर आ रही है और आइंदा मजीद होती हुई मैं देख रहा हूं दूसरा कल विटालिक बटरन ने ई जो इथीरियम नेमिंग सर्विस है उसको कल प्रमोट किया उसकी वजह से ई की प्राइस भी अच्छी खासी पंप की है विटालिक बटरन ने कहा कि आप जैसे तैसे भी है जो जितने इथीरियम के ऊपर ले टू चेन्ज हैं वो सब ये ई एन एस वाली डोमेन के साथ कंपैटिबल हों यानी जैसे मेरी इम आलम डॉट ईथ मेरी ई एन एस एक डोमेन है जो मैंने इथीरियम की चेन पे रखी है ये सिर्फ इथीरियम पे होने की बजाय जो दूसरी मेरी चेन्स हैं वहाँ पर भी ये कंपैटिबल हो तो ये बड़ी एक तरह की डेवलपमेंट है और इस वजह से ई एन एस की प्राइस जो है वो आपको मजीद पंप होती हुई नज़र आ सकती है अगली खबर है जी कर फाइनेंस में जहां पे हम लोग पूल्स वगैरह ऐड करते हैं वहां पर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है वहां पे कर फाइनेंस जो है जीटा चेन को अपने साथ लिंक करेगा और जीटा चेन को लिंक करने से एक तरह का क्रॉस चेन पूल्स का सिस्टम ऑन हो जाएगा मिसाल के तौर पे, जैसा कि आप ये सारी मैंने ट्वीट पढ़ी है आप एट ए टाइम कर फाइनेंस पे जी एट ए टाइम आप तीन मुख्तलिफ चेन्स की जो टोकनज है एक ही पूल में ऐड कर सकते हैं मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इथीरियम इथीरियम की चेन में पड़ा है बिटकॉइन बीटीसी की चेन में पड़ा है या इसी तरह यू पॉलीगॉन की चेन में पड़ा है तो वहीं वहीं आपके एसेट रहेंगे लेकिन एक पूल में आप ऐड करेंगे ये मेरी नज़र में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है मार्केट के लिए इससे कर फाइनेंस और जीटा चेन ये सारे सारी मार्केट के लिए ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है बी आर की कम्युनिटी में खबरें हैं कि एक तरह का क्लैश पड़ गया है एक प्रपोजल के हवाले से जिसमें जो यूनिसेट है जो मार्केट प्लेस है जो बी आर के टोकनस की सेल परचेज के लिए करते हैं वो और जो बी आर स्टैंडर्ड का जो मालक है या डेवलपर है वो उन दोनों की अप्रोच की वजह से बी आर सी ट्वेंटी में अच्छा इसमें इस ये जो करंट जो करंट जो कम्युनिटी में स्प्लिट है क्या इसकी वजह से ये जो प्रोटोकॉल है इसमें फ़ोर्क होगा या स्प्लिट होगा आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा क्या जो ऑलरेडी आपके पास बी आर सी हैं जैसे नॉर्मली किसी चेन का फोर्क होता है तो नए फोर्क में भी उतने ही टोकन बंदे को मिल जाते हैं जो कि पुरानी चेन में तो उससे टू टाइम बेनिफिट मिल जाता है क्या इधर भी ऐसे होने वाला है मुझे नहीं पता तो इसको आप क्लोजली खुद ड्यू डेलीजेंस करके खुद इसको स्टडी करें आप अच्छा जी अब कुछ हैकिंग वगैरह की खबरें हैं गामा स्ट्रेटजीज में भी अनदर डे अनदर हैकिंग रिपोर्ट गामा स्ट्रेटजीज से हैकर ने तकरीबन 2.2 मिलियन वर्थ के इथीरियम जो है वो हैक कर लिए हैं उसको एक्सप्लाइट करके और मैं आपको एक बात बताऊँ ये जितनी मैं हैकिंग की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ ये स्टार्ट में मैं इतना ज़्यादा डी फाइव मार्केट में एक्टिव नहीं था ये स्टेकिंग ये मतलब मुख्तु जो एक्टिविटीज़ थी इसी वजह से क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब तक ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये हैकिंग स्कैम फ्रॉड ये जब तक कम नहीं होंगे बहुत से मेरे तरह ऐसे यूज़र जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो इस मार्केट की तरफ देखते ही नहीं हैं तो जब तक ये चीज़ें सिक्योर नहीं होती उस वक्त तक इतना ज़्यादा डी मार्केट के ग्रो करने के मुझे चांसेस कम लग रहे हैं ठीक है अच्छा जी बाइनास ने आ, टेन एसर्स हैं जिस को आ, के टैग में डाल दिया है और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो प्राइवेसी कोइंस हैं इनका फ्यूचर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है क्योंकि मार्केट रेगुलेशन की तरफ जाती जाएगी जितना मार्केट रेगुलेशन की तरफ जाती जाएगी ये प्राइवेसी कोइन के लिए जो इन्वायरमेंट है वो उतना टाइट और सख्त होता जाएगा तो इस हवाले से अगर आप इन्वेस्टर हैं ये प्राइवेसी कॉइंस के तो बी वेरी केयरफुल ठीक है लास्ट में ये एआई रिसर्चर्स की एक मैं छोटी सी आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ अब एआई के रिसर्चर खुद सजेस्ट कर रहे हैं कि ए इस वक्त जो ए के ऊपर काम हो रहा है सारी दुनिया में उससे फाइव परसेंट हैं कि ह्यूमन एक्सटेंशन हो सकती है यानी अब ए के रिसर्चर खुद ये बात कह रहे हैं कि इंसान इंसानी नस्ल को इससे खतरा है ठीक है ये थी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें अल्लाह हाफिज़